माननीय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री नंदन यादव जी के क्षेत्र में कृषि मेला का उद्घाटन करना है, इसी शुभ अवसर पर जाना है और इसी क्रम में आज मधेपुरा सर्किट हाउस में अपने कार्यकर्ताओं के साथ छोटी सी बैठक हमने किया और आप लोगों से मुलाकात की। मधेपुरा में सड़कों की हालत जो है बहुत खस्ता है सर, जिस सड़क से आप जाएंगे वो भी बहुत बदहाल है। निश्चित रूप से सड़क जहाँ गड़बड़ है वहाँ बन भी रहा है, आगे काम भी हो रहा है और मैं देखा हूँ आने के क्रम में मुजफ्फरपुर से मधेपुरा, पहले मुझे लगता था कि दो दिन लगते रहे होंगे एक दिन मुजफ्फरपुर जाने में, मैं मुजफ्फरपुर से मात्र 3 घंटे में मधेपुरा आया हूँ। ये सरकार की उपलब्धि है और सरकार का संकल्प भी है कि बिहार के किसी भी कोने से 6 घंटे में पहुँचना है, लेकिन अब हम मानते हैं किसी भी कोने से हम 4 घंटे में पहुँच सकते हैं। ये बिहार सरकार ने काम करके दिखाया है, इसके लिए मैं सरकार का, अपने साथियों का, अपने मंत्रियों का और मीडिया के साथियों का व्यवहार प्रकट करना चाहता हूं कि इस चर्चा को आप बनाए रखें, न्यूज में चलाते रखें। भूमि सुधार और लैंड लिटिगेशन को कम करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास भी हुए हैं, लेकिन फिर भी जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अभी हाल ही में राजस्व कर्मचारी का घूस लेता हुआ वीडियो वायरल होता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि घूस लेते हुए पकड़ाते हैं लोग, यानी कोई सरकार काम भी कर रही है, पकड़ भी रहा है, ये भी एक अपने आप में अनूठा चीज़ है। पहले तो कुछ होता था तो पता भी नहीं चलता था, आज एक रेवेन्यू मिनिस्टर होने के नाते मैं आपको बता दूं कि अभी आपके प्रमंडल में, कोसी प्रमंडल में 23 तारीख को मैं बैठक करने जा रहा हूँ, जिसमें सुपौल, मधेपुरा और सहरसा ज़िले के तमाम अंचलों का रिव्यू होगा। उस रिव्यू में सभी अंचलाधिकारी, सभी DCLR, सभी ADM, सभी DM, सभी SP रहेंगे और उसमें बैठक में निश्चित रूप से जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कर्मचारियों पर, ऐसे पदाधिकारियों पर गांज गिरेगी और जो काम लंबित है उनको करना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से अपने आम जनता को सूचित करना चाहता हूँ, जिन भाइयों को कोसी प्रमंडल में घर पड़ता है, चाहे वो मधेपुरा हो, सहरसा हो, चाहे वो ये कौन सा ज़िला हो गया, मधेपुरा, यानी तीनों जिला मिला करके सभी अंचल के अंदर जो भी काम पेंडिंग है, कोई कर्मचारी या कोई CEO या जिला परेशान कर रहा है, तो आवेदन के साथ आप मुझे 22 तारीख को सहरसा सर्किट हाउस में 6 से 8 संध्या मिल सकते हैं और 23 तारीख के सुबह में 8:30 से 10:30 आप हमसे मिल के कागज़ और साक्ष्य के साथ मिले, मैं आपका निदान कराऊँगा। जो म्यूटेशन के लिए लोग अप्लाई करते हैं तो अधिकतर मामले रिजेक्ट कर दिए जाते हैं सर। निश्चित रूप से मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रिजेक्शन 80% सही रहता है, 20% लोग निराधार भी कर देते हैं, तो ऐसे पदाधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई भी होती है और वो जो रिजेक्शन होता है वो आपके हमारे परिवार के कारण होता है, परिवार में आपसी सहमति बंटवारा नहीं हो पा रहा है। मैं बार बार मीडिया के साथियों को भी कहा हूं, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को भी कहता हूं, अपने नेताओं से भी आग्रह किया हूं कि जमीन के कारण विवाद है, हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को मानते हैं, प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं, तो हम लोग सारे चीज़ को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपसे भी सहयोग चाहिए हमको कि आप लोग भी अपना अपना जवाबंदी क्लियर करा लें, क्योंकि सर्वे का काम चल रहा है, सर्वे जब होगा तो आपके नाम से खतियान बन जाएगा, डिजिटल खतियान बन जाएगा, मोटेशन ऑनलाइन होना शुरू हो गया है, रसीद कटना ऑनलाइन शुरू हो गया है, ये सारे सुमो मोटर के तहत आपका ऑटोमेटिक दाखिल खारिज हो जाएगा। तो मेरा आग्रह आप सब लोगों से है कि जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं और खास करके मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि सवाल उठाने से पहले आप अपने अपने गिरेमान में झांक कर देखें कि मैं अपने परिवार का जवाबंदी क्लियर कराया हूं कि नहीं कराया हूं। आप सफल मीडिया कर्मी तभी हो सकते हैं, सफल कार्यकर्ता तभी हो सकते हैं, सफल नेता तभी हो सकते हैं कि अपने परिवार का जो विवाद है जमीनी संबंधी उसको क्लियर कर लें, ऑटोमेटिक 90% विवाद क्लियर हो जाएगा।